आज हम न्यू लेसन पढ़ेंगे और इसका नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे. हमने कल यहाँ तक हाफ लेसन पढ़ा था, आज हम पेज नंबर 83 पढ़ेंगे. यूनिट नंबर 11, यूनिट नेम इज़ फेस्टिवल्स इन पाकिस्तान, क्लास 5. नाउ आई विल स्टार्ट द न्यू लेसन टुडे. इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th अगस्त. इंडिपेंडेंस डे मैंने आपको बताया था कल किसे कहते हैं, योम आज़ादी को कहते हैं. और ये किस दिन मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 14 अगस्त को मनाया जाता है. योम आज़ादी 14 अगस्त को मनाया जाता है. सेलिब्रेटेड कहते हैं मनाने को, और 14 अगस्त को आपको पता है ये इस्लाम साल का महीना है. स्पेशल प्रेयर आर ऑफर्ड इन मॉस्क्स फॉर द स्ट्रेंथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर बिलव्ड होमलैंड. होमलैंड कहते हैं आबाई वतन को. जैसे पाकिस्तान हमारी होमलैंड है ना, हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो वो हमारी क्या है, होमलैंड, हमारा आबाई वतन है. बिलव्ड कहते हैं प्यारी चीज़ को. प्रॉस्पेरिटी कहते हैं खुशहाली को. स्ट्रेंथ कहते हैं ताकत को. मॉस्क का मतलब होता है मसाजिद, और ऑफर्ड यानी पढ़ते हैं. स्पेशल इस मौके पर अपने हमारे आबाई वतन की खुशहाली और ताकत के लिए, उसकी खुशहाली और तरक्की के लिए मसाजिद में खासूसी दुआ की जाती है. प्रेयर्स मीन दुआ, ठीक है, और स्पेशल मीन खास. रैलीज एंड डिफरेंट सेरेमनीज आर हेल्ड थ्रू आउट द कंट्री. इट इज़ अ पब्लिक हॉलीडे. ने कहा कि रैली मुख्तलिफ मुल्क भर में तकारीब और रैलीज का इस्तेमाल किया जाता है या मुनक्कद की जाती है. हेल्ड मीन्स मुनक्कद करना. थ्रू आउट द कंट्री, मुल्क भर में रैलीज जो होते हैं ना, वो जलसे जुलूस जो होते हैं ना, उनको कहते हैं. और सेरेमनीज कहते हैं तकारीब को. इट इज़ अ पब्लिक हॉलीडे. ये एक आम तातील है. डिफेंस डे कहते हैं योम दिफा को. डिफेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 6 सितंबर. योम दिफा 6 सितंबर को मनाया जाता है. इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द वार ऑफ 1965 इन विच पाक फोर्स डिफीटेड द इंडियन फोर्स. आपको पता है 1965 की जंग में क्या हुआ था? पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी, जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दे दी थी. इस जंग के दौरान बहुत से पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद भी हुए थे, लेकिन पाकिस्तान ने उनको शिकस्त दे के अपने मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदारी पूरी की थी. पाकिस्तानी फ़ौज जो थी उसको फतह नसीब की थी अल्लाह ने. इट इज़ सेलिब्रेटेड, ये मनाई जाती है 1965 की जंग में की याद में मनाई जाती है, जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज ने हिंदुस्तानी फ़ौज को शिकस्त दी. डिफीटेड मीन शिकस्त देना. योम तकबीर इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 28th मई. योम तकबीर 28 मई को मनाया जाता है. ऑन दिस डे इस दिन पाकिस्तान बिकेम द फर्स्ट इस्लामिक एटॉमिक पावर. पाकिस्तान इस दिन पहली इस्लामी एटमिक कुव्वत बना. बिकेम मीन बना. स्पेशल प्रोग्राम्स एंड सेरेमनीज आर अरेंज टू सेलिब्रेट दिस हिस्टोरिकल अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान. स्पेशल कहते हैं खास को. प्रोग्राम्स सेरेमनीज तकरीब अरेंज इहतमाम किया जाता है सेलिब्रेट मनाने को. हिस्टोरिकल कहते हैं तारीखी अचीवमेंट. तारीखी कहते हैं अचीवमेंट, कहते हैं कामयाबी को. खास प्रोग्राम इस मौके पर खास प्रोग्राम और तकरीब का इहतमाम किया जाता है. तारीखी पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी को मनाने के लिए खास प्रोग्रामों और तकरीब का इहतमाम किया जाता है. होमेज इज़ पेड टू नेशनल हीरोज एज वेल एज साइंटिस्ट. होमेज कहते हैं खराज तहसीन पेश करने को, या खराज अकीदत पेश करने को. पेड कहते हैं अदा करना या पेश करना. होमेज खराज अकीदत इज़ पेड पेश की जाती है टू नेशनल हीरोज, कौमी हीरो को, एज वेल एज और साइंसदानों को. कौमी हीरो और साइंसदानों को खराज तहसीन पेश किया जाता है. प्रोविंशियल फेस्टिवल सूबाई त्यौहार. प्रोविंशियल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन द कैपिटल सिटी इस्लामाबाद. पीपल फ्रॉम ऑल प्रोविंसेस गैदर इन इस्लामाबाद टू रिप्रेजेंट देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन. स्टूडेंट, जो ट्रेडिशन होता है ना, ये हम रवायत को कहते हैं. हर खानदान की अलग हर कंट्री की अलग रवायात होती है. जैसे ड्रेसेस अलग होते हैं, उनके तहजीब और तौर तरीके रवायात अलग होती हैं, इसी को जाहिर कर रहा है. कल्चर कहते हैं सकाफत को, रिप्रेजेंट कहते हैं पेश करने को. इस्लामाबाद जो है ना, पाकिस्तान का कैपिटल सिटी है. कैपिटल का मतलब होता है दारुल हकूमत. प्रोविंस कहते हैं सूबे को, ठीक है.
सूबाई त्यौहार इस्लाम पाकिस्तान के सूबाई त्यौहार इस्लामाबाद दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मनाए जाते हैं, जहां फ्रॉम ऑल द प्रोविंसेस गैदर तमाम सूबों से लोग अपनी तहजीब अपनी सकाफत और रवायात को पेश करने के लिए आते हैं। ऑल द पीपल वेयर ट्रेडिशनल ड्रेसिस, तमाम लोग वियर पहनते हैं ट्रेडिशनल ड्रेसिस रवायती लिबास ऑफ देयर रीजन अपने इलाके के, टू रिप्रेजेंट पेश करने के लिए देयर प्रोविंस। तमाम सूबों के लोग अपने सूबों के लोग अपने इलाके के रवायती ड्रेसिस को पेश करते हैं। दे आर फोक सॉन्ग्स डांसिस एंड म्यूजिक कॉम्पिटिशन ऑन दिस ओकेजन, इस मौके पे फोक गीतों और मौसीकी के मुकाबलों का इस्तेमाल किया जाता है। चिलम जोशी इज सेलिब्रेटेड फॉर 4 days इन मिड मई बाय द कैलाश पीपल। चिलम जोशी जो है ना, ये भी एक त्यौहार है। चिलम जोशी मई के दरमियान में वस्त मई में 4 दिन के लिए कैलाश लोगों के जरिए मनाया जाता है, सेलिब्रेटेड मनाया जाता है। कैलाश पीपल जो वहाँ के लोग हैं ना, उनको कैलाश पीपल कहा जाता है। इट इज़ अ स्प्रिंग फेस्टिवल, ये मौसम बहार का त्यौहार है। एंड इज सेलिब्रेटेड, और ये मनाया जाता है फॉर द अबंडेंस ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द सीजन, मौसम के दौरान दूध की मसनूआत को तर करने के लिए मनाया जाता है। शानदार पोलो फेस्टिवल, शानदार पोलो फेस्टिवल ये भी क्या है आपका नेशनल फेस्टिवल है। ये भी शानदार पोलो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन शानदार एंड शंदूर एंड गिलगित, शानदार पोलो फेस्टिवल को शंदूर और गिलगित में मनाया जाता है। ऑन दिस ओकेजन, इस मौके पर टीम्स मीट टू प्ले पोलो मैचेस ऑन द हाईएस्ट पोलो ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड। इस ओकेजन कहते हैं मौके पर, दिस इज ऑन पर, इस मौके पर दुनिया भर से तमाम दुनिया की बुलंद तरीन ग्राउंड पोलो में टीमें खेलने के लिए मिलती हैं। टीम्स कहते हैं वो जो खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं ना, उन सबको इकट्ठा कर दिया जाए तो वो एक टीम बन जाती है, ठीक है। इस मौके पर दुनिया की बुलंद तरीन ग्राउंड पोलो में ये टीमें खेलने के लिए मिलती है। नेक्स्ट पेज नंबर 84, उर्सिस। उर्सिस ऑफ ग्रेट सेंट्स आर सेलिब्रेटेड एट द श्राइन्स। उर्सिस जो उर्स हैं वो बुजुर्गों के, अजीम बुजुर्गों के उर्स उनके मज़ारों पर मनाए जाते हैं। श्राइन्स कहते हैं मज़ार और सेंट्स कहते हैं बुज़ुर्गों को, ग्रेट सेंट्स बुज़ुर्गों। पीपल केम फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस, लोग आते हैं फ्रॉम से फार ऑफ दूर प्लेसेस जगहों से, लोग दूर दराज जगहों से आते हैं टू पे होमेज हराज तहसीन पेश करने के लिए टू द सर्विस उनकी खिदमात पर ऑफ दीज सेंट्स, इन बुज़ुर्गों की खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए लोग दूर दराज जगहों से आते हैं। कॉन्ग्रीगेशन आर अरेंज ऑन दिस ओकेजन, इस मौके पर कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है इज्तमाआत, अरेंज का मतलब है इख्तमाम करना। इन मौके पर इज्तमाआत का इख्तमाम किया जाता है। स्टूडेंट्स अब हम लोग इसके आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे, कल्चरल फेस्टिवल्स। सर साहब हम इनके आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फेस्टिवल्स इन पाकिस्तान। पेज नंबर 84, पार्ट ए, आंसर द क्वेश्चंस, कॉम्प्रीहेंशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ द कल्चरल फेस्टिवल, उन्होंने पूछा है कि सकाफती त्यौहार क्या होते हैं। अ फेस्टिवल डैट प्रेजेंट एक्ट्स गेम्स एंड इवेंट्स स्पेसिफिक टू अ कल्चर इज़ नोन एज कल्चरल फेस्टिवल। उन्होंने कहा वो त्यौहार जो पेश करते हैं हमें गेमों और त्यौहारों को मौके पेश करते हैं ख़ास तौर पर सकाफत को ज़ाहर करने के लिए, उन्हें सकाफती त्यौहार कहा जाता है। वट इज़ मोस्ट एक्साइटिंग फीचर ऑफ द फेस्टिवल एट शानदूर, ने कहा शानदूर के त्यौहार में खुश होने वाले कौन कौन से खास खसूसियत थी, उसमें खुश होने वाली कौन सी खास बात थी। द मोस्ट एक्साइटिंग फीचर ऑफ दिस फेस्टिवल, उन्होंने कहा इस त्यौहार का खास खसूसियत ये थी, इज़ द पोलो टूर्नामेंट, के वो पोलो का एक मैदान था खेल का, इट इज़ प्लेड जिसमें खेला जाता है ऑन द टॉप ऑफ शानदूर के ऊंचाई पर पास। शानदूर पोलो ग्राउंड इज़ इन चित्राल, ये चित्राल में है ग्राउंड इसकी। वट आर द एक्टिविटीज़ ऑफ विजिटर्स इन द फेस्टिवल, उन्होंने कहा इस त्यौहार में विजिटर्स कौन कौन सी सरगर्मियों को सर अंजाम देते हैं। एक्टिविटीज़ एट शानदूर इंक्लूड म्यूजिक एंड डांस शो बाई डिफरेंट ग्रुप्स, क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग एंड हॉर्स राइडिंग।
उन्होंने कहा है कि एक्टिविटीज़ जो है इस शाम के दौरान मुख्तलिफ किस्म की होती है जो मुख्तलिफ ग्रोह अंजाम देते हैं, कौन सी वो म्यूज़िक और डांसेस के शो करते हैं, ठीक है, मौसीकी के और रक्स के शो करते हैं, क्लाइंबिंग चढ़ते हैं, हाइकिंग और हॉर्स राइडिंग करते हैं, घोड़सवारी, विजिटर एन्जॉय द फ्यू व्यू ऑफ क्लियर लेक्स, विजिटर्स जो होते हैं यानी देखने वाले जो लोग आते हैं वो एन्जॉय करते हैं प्रोग्राम को, वो साफ झीलों को देखते हैं, स्नो कवर्ड माउंटेंस, बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ देखते हैं, एयरप्लेन फ्लावर्स फूलों और एंड वास्ट ग्रासी प्लेन्स और घास से भरी हुई ज़मीन को देखते हैं। वट आर द ऑक्यूपेशन ऑफ द कैलाश, उन्होंने कहा कैलाश के लोगों का पेशा क्या था, यानी वो क्या काम करते थे। कल्टिवेशन एंड लाइफ स्टॉक आर देयर मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द कैलाश, यानी वो मवेशी पालते थे और काश्तकारी करते थे। कल्टिवेशन मीन्स काश्तकारी और लाइफ स्टॉक मवेशी पालते थे, आर द मेन उनका खास पेशा था, आर द मेन ऑक्यूपेशन का खास पेशा था कैलाश के लोगों का। वट डज टूरिज्म डू फॉर द कैलाश, उन्होंने कहा कि कैलाश के लोग जो है वो सैर करने कहाँ जाते हैं। टूरिज़म इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल, उन्होंने कहा टूरिज़म जो है वो एक खास करदार अदा करती है हमारी मुल्क की इक्तसादी हालत में। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी कम्प्रीहेंशन कम्प्लीट हो गई है। अब आप लोगों ने ये जो सेकेंड पार्ट है इसकी फिल्मी प्लान्स और ये एमसीक्यूज़ ये आपने इस स्टोरी को पढ़ के खुद करने हैं।